क्लास 7 का पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है और वो क्या है, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ये थोड़ा अलग है, ठीक है। अब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान देना बेटे। अगर गर्मी लग रही है तो बेशक वहां बैठ जा या यहां बैठ जा, और नहीं ठीक है तो बढ़िया। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि चैप्टर पढ़ते हैं ना, चलो भैया भेड़ चाल, रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। अरे पहले टॉपिक को ही समझ जाएंगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। आखिर हमें ये तो पता है कि जाना कहाँ है, अगर डेस्टिनेशन नहीं पता है, केवल सड़क पे है ना डांगरू की तरह दौड़ते जाओ तो क्या फायदा है फिर भाई। तो इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, अब एक एक शब्द को समझ जाओगे तो खुद ही पूरा चैप्टर क्लियर होने लगेगा। इक्वालिटी मतलब की समानता। समानता का क्या मतलब है, बराबरी का हक या बराबरी, समानता या बराबरी, सबको बराबर बराबर हक दिया जाए, सब कुछ बराबरी हो। बेटा मैथ कर ले तू, लड़के मैथ। अच्छा फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहा है क्या, रीड कर रहा है तो अंडरलाइन करना वर्ड्स को और उसी तरह रजिस्टर बना, ठीक है। बराबरी का हक, और ये बराबरी का हक कहां, इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन मतलब कि भारतीय, डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र। भारतीय प्रजातंत्र में, हमारे देश के प्रजातंत्र में जो समानता की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, लड़के लड़कियों में बराबरी है आज के डेट में, ठीक है। छोटी जात बड़ी जात सब लोग एक जैसे हैं, जैसा कि छोटी जात बड़ी जात समाज में लोग कहते हैं, ऐसा होता तो कोई नहीं छोटा बड़ा, सब लोग ईश्वर की संतान है, सब तो भगवान ने तो हम लोग को बनाया, और कौन बनाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारे प्रजातंत्र में या इंडिया के डेमोक्रेसी में सब लोग को समानता का अधिकार देता है। अब ये समानता का अधिकार आता कैसे है और इसको हम आपको एक छोटे बच्चे की तरह कैसे समझाएं वो देखिए। देखो अगर इक्वालिटी की बात करें, देखो मैं हिंदी में भी बुक पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन हिंदी तो बोल ही रहा हूं, और इंग्लिश की बुक से पढ़ाऊं तो फायदा क्या होगा, कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के भी है ना उनको भी इंग्लिश सीखने का थोड़ा मौका मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो उसे कोई आपको इश्यू नहीं होना चाहिए। ओके, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, भारत एक प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी का मतलब कहा, जहां लोग खुद अपने सरकार को चुनते, ठीक है। इन द क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी इज द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। अब देखो सिक्स क्लास में भी तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि डेमोक्रेसी क्या है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा दिया था आप लोगों को, या जहां भी आपने पढ़ा हो। अब आप देखो डेमोक्रेसी क्या है, या प्रजातंत्र या लोकतंत्र क्या है, जिसमें लोगों को अपनी सरकार चुनने का पूरा हक या मौका मिलता है। इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब कि वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक यूनिवर्सल का मतलब होता है कि टोटल, सारे के सारे। उसके बाद एडल्ट मतलब कि जो वयस्क हो गए हैं, हम भारत में 18 साल की उम्र के बच्चों को वयस्क मानते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजी मतलब कि सबको अधिकार मिलता है ग्रुप से, तो हर वो 18 साल का आदमी, लड़का लड़की कोई भी होगा, ठीक है, हर वो इंसान जो भारत का नागरिक है और 18 साल का है या उससे अधिक कितनी भी उम्र का क्यों ना, उसे वोट देने का अधिकार होता है, वो वोट कर सकता है, ठीक है। अब ये समानता की बात हुई या नहीं हुई, हुई ना, इसमें कोई भेदभाव है क्या, जो भी 18 साल का है सभी का सभी, कोई का कोई, सभी लोग ये वोट कर सकते हैं,
तो ये समानता की बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही है, सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी का जो मेन एस्पेक्ट है वो है समानता, सबको बराबरी का हक देना। मोदी जी को चुनने में, ठीक है, अंबानी ने वोट दिया हो या आपके पापा ने वोट दिया हो या सड़क पे चलने वाले किसी रेडी वाले ने वोट दिया हो, सब लोगों का एक एक वोट ही है। अगर एक वोट से हारेंगे और अगर किसी रेडी वाले ने मोदी को नहीं दिया तो उस रेडी वाले के एक वोट के ना मिलने के कारण भी हार जाएगा, या एक वोट से कोई जीत रहा हो तो रेडी वाले की एक वोट जिसको मिल जाएगी उससे वो जीत जाएगा। समझ रहे? तो समानता की बात तो हो रही है ना। एक सेकंड, अब देखिए, अब मैं आपको कुछ समझाता हूं। हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वल राइट टू वोट, ठीक है, क्या है इक्वल राइट टू वोट। वोट देने का या मतदान करने का, वोट देने का या मतदान करने का बराबर का हक होता है। इक्वल मतलब कि समान अधिकार होता है। मैंने आपको पहले बताया, अब कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई ईसाई हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई एससी एसटी कैटेगरी का हो, ओबीसी कैटेगरी का हो या ब्राह्मण हो, जनरल कैटेगरी का हो, कोई लड़का लड़की कोई भी हो, सभी लोगों को जो 18 साल के होंगे वोट का अधिकार होगा। तो ये इक्वल राइट टू वोट, आप समझ गए। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सभी 18 साल के लोगों को जो भारत के नागरिक हैं, भारत के सिटीजन हैं, उनको अगर वोट का अधिकार मिल रहा है तो इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। अब मैंने आपको ये बताया कि वोट देने के मामले में सब लोगों को बराबर का अधिकार होता है, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं ना कि हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे देश में केवल वोट को लेकर के ही एक जैसा अधिकार सबको मिला है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें हम लोगों को बराबर का अधिकार मिला होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। बेटे अगर पूरा नाम लिख के गया ना तो घर चलेगा मेरे, तू गलत फंस गया तू, याद कर ले, याद होना चाहिए तुझे ये, और कम में काम नहीं चलेगा बेटे। आज अभी 3 बज रहा है, 3:30, अभी 7 बजे तक का टाइम है तेरे पास, 3.5 घंटे हैं तेरे पास, करके जाएगा तू। अगर हम समानता या इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी किन किन चीजों में है, है ना। अब देखो, हम अपने गांव को अगर देखें, समाज को देखें, तो क्या होता है। पहले अगर दादाजी के समय की बात करें तो वो भी बताएंगे, मेरे भी जो दादाजी थे उनके समय की बात बताऊं तो समाज में सभी जाति के वर्ग के लोगों को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता था। जिनको हमारा समाज बैकवर्ड क्लास का मानता था या अभी भी कुछ लोग मानते हैं, उनको अपने पर्व त्योहार में, शादी विवाह में एक साथ बैठ के खाते पीते नहीं थे, है ना, या जाति के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता था। पहले हमारे जो ब्राह्मण लोग थे, पहले ग्रंथ या पुस्तकों को लिखने वाले, वो क्या करते थे, वो यही करते थे ना कि ब्राह्मणों को पढ़ने पढ़ाने का केवल अधिकार है, क्षत्रिय लोगों को राजा बनने का अधिकार है और देश की रक्षा करने का अधिकार है। वैश्य में बेटा किसान और व्यापारी होते थे जो सबका पेट पालने का काम करते थे। व्यापारी व्यापार करके बाहर से सामान लाएगा, कमा के राजा को टैक्स देगा, और किसान अनाज उगा करके टैक्स देगा। और जो शूद्र होते थे वो इन तीनों कैटेगरियों की सेवा करते थे, यही करते थे। कोई बात नहीं, तुम भी यही सुन लो, बाद में रीड कर लेना, ये सुन लो जो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग के भी काम कर, ठीक है।
तो ये बहुत दिनों तक हमारे आजादी के बाद भी समाज में ये चलती आई कि नहीं आई? अभी दादाजी से या नाना जी से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ हमारे समय में ऐसा होता था, समझ रहे? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में आई तो बोला गया कि नहीं ये गलत है, जाति के आधार पे, मतलब कि कास्ट के, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन मतलब धर्म के आधार पे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी मतलब संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग कम्युनिटी है, इन सबों के आधार पे कोई भी तरह का भेदभाव या इनइक्वालिटी या समानता नहीं हो सकता, ठीक है? देखो हम लोग कभी कभी, आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे या आस पड़ोस में कोई बड़े बुजुर्ग बात करते होंगे तो आपने सुना होगा, ठीक है? उसमें ये बताया गया है कि दलित, दलित हम लोग शब्द सुनते हैं, दलित का अगर मीनिंग अगर आप जानना चाहो कि एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा ब्रोकन, टूटा हुआ, ठीक है? तो दलित जाति के लिए यूज किया जाता था, कर रहा है भाई, सो गया, ठीक है? तो दलित जाति के लिए, ऐसे वर्ग के लोगों को या ऐसी जाति के लोगों को दलित कहा जाता था, ठीक है ना, जो कि समाज में उनको हमेशा तोड़ा मरोड़ा जाता था, उनके विश्वासों को या उन पर अत्याचार किया जाता था, जबरदस्ती उनसे मजदूरी कराई जाती थी, हमेशा उनको अपमानित किया जाता था, ह्यूमिलिएट किया जाता था, बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे लोगों को दलित कहा गया था, और हमारे समाज में दलित वर्ग तो है ही, स्टोरी स्टोरी तो बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, ये केवल बस ये कहने की चीजें हैं, फालतू का केवल इतना बड़ा लफड़ा है ये। तो आपने पहला चीज समझ लिया कि इक्वल इक्वल राइट टू वोट, दूसरा आपने समझ लिया कि इक्वालिटी समाज में किस तरह इक्वालिटी है, जाति धर्म के आधार पे कोई भी तरह का भेदभाव नहीं है, अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी में क्या है, इक्वालिटी कास्ट और रिलीजन के आधार पे सबको इक्वालिटी है। मैं अभी लास्ट में अच्छा इसे समझा दूंगा आपको, एक बार आपके बुक के हिसाब से बता दो, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, रिकॉग्नाइजिंग मतलब पहचान करना या पहचानना, डिग्निटी मतलब कि गरिमा, इज्जत या प्रतिष्ठा, उसको डिग्निटी कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई एससी या एसटी कैटेगरी में किसी का जन्म हुआ है और आप उसको उस नाम से या किसी तरह नाम निकाल रहे हो, उस शब्द से पुकार रहे हो, या उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हो, ठीक है, या अपने कुएं से पानी नहीं भरने दे रहे हो, या जहां अपना इलाका है वहां आने जाने नहीं देते हो, इसका मतलब आप उसकी गरिमा या प्रतिष्ठा के खिलाफ काम कर रहे हो। हमारे संविधान में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बाद वाली क्लास भी आप लोग सुनेंगे, संसद वाली है, ठीक है, 7th क्लास भी सुन के जाएगा, आज कोई टेस्ट नहीं है आप लोग, एक सेकंड, मैंने कहा था ना टेस्ट के लिए, क्या ना मना ना करता बेटे, मना कर दूं क्या? हाँ तो बस चाहते हो मना करना तो कर दूंगा, तो फिर ये क्यों याद दिलाते हो मना करवाने वाले? देखिए तो अगर मान लीजिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार दिए गए, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था पहले वाले चैप्टर में, ठीक है, उसमें 12 से 35 तक वो अधिकार है, देयर आर 395 आर्टिकल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स पूरे के पूरे, उसमें 12, 12 से लेकर के 35 तक जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है, मौलिक अधिकार। ये फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, ये भी तो समझने की चीज है। देखो
देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आप अगर भारत के नागरिक हो, किसी देश के नागरिक हो, सिटीजन हो, तो सिटीजन होने के कारण आपको बहुत तरह के अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कहीं भी आने जाने, रहने बसने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, जाति धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया करेगा आपसे, आपको धर्म का अधिकार है, कोई भी धर्म अपनाओ या किसी भी धर्म को छोड़ दो, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे अधिकार आपको उसमें दिए जाते हैं। तो अगर आप रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी की बात करें तो उसमें अनुच्छेद या आर्टिकल जो 17 है और 15 जो है, 14 से लेकर के 18 तक, 14 से लेकर के 18 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं वो हमें समानता का अधिकार या राइट ऑफ इक्वालिटी देते हैं। 14 ये कहता है, ठीक है, राइट ऑफ इक्वालिटी, कानून की नजर में सभी लोग समान होंगे, किसी भी जाति धर्म लिंग वेशभूषा पोस्ट सब लोग एक समान है। अगर आपने मर्डर किया तो आपको भी वही सजा मिलेगी जो अंबानी ने किया है उसको मिलेगी। बात समझ में आ रही है? सब लोग एक समान है। आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 15 ये कहता है कि कोई किसी भी जाति का हो, हिंदू माने छोटा जात बड़ा जात जो भी है, कोई किसी भी कम्युनिटी का हो, मतलब कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और कोई किसी भी धर्म का हो जो हिंदू मुस्लिम हो, ठीक है, उसके आधार पे जाति धर्म या संप्रदाय के आधार पे उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी जाति संप्रदाय या धर्म के आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 16 ये कहता है, अनुच्छेद 16 जो है वो ये कहता है राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। सरकार कोई भी नौकरी निकालेगी या कोई जॉब का एडवर्टाइजमेंट निकालेगी तो उसमें समाज का कोई भी आदमी जो उसकी योग्यता रखता है, एलिजिबिलिटी रखता है, जैसे मान लो कि कहा गया कि 18 साल से ऊपर के फॉर्म भरेंगे तो 18 साल के ऊपर वाले ही भरेंगे, और 30 साल से ज्यादा के नहीं भर सकते तो 18 से 30 साल के बीच वाले भरेंगे। तो अब 18 से 30 साल अगर क्रिटेरिया या है ना योग्यता डिसाइड की गई उस फॉर्म को भरने के लिए, तो अब जितने भी लोग 18 से 30 साल के हैं, कोई भी किसी भी जाति धर्म का कैसा भी रंग रूप कुछ भी हो, वो फॉर्म भरेगा, उसको संविधान ये अधिकार देता है। अब आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 17 या 17, ये प्रोविजन, प्रोविजन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। देखिए किस तरह से, पहले क्या था बेटे, मंदिर में आप इस जाति के हो तो मंदिर में नहीं आ सकते, आप इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, आप शादी विवाह में यहां नहीं आ सकते, गांव में आना है तो आपको डुगडुगी बजा के आना होगा ताकि लोगों को दूर से पता चल जाए कि आप शूद्र हो, समझ में आ रहा है, आपकी परछाई हम पर नहीं पड़नी चाहिए, इतने अलग अलग तरह के तो थे ना, अगर आपने छू दिया तो हम अशुद्ध हो गए, अब गंगा जी में डूब मरेंगे, फालतू तरह की बातें। अगर इस तरह का कोई भी तरह का काम आज के डेट में, आई मीन टू से 26 नवंबर 1949 के बाद, 26 नवंबर 1949 के बाद कोई भी आदमी ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है, मतलब कि आपको हथकड़ी लगेगी और आपको पहले जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद सोचा जाएगा कि आपका क्या किया जाए, तब आपको कोई केस कचहरी या मुकदमा होगा। SC ST एक्ट कहा जाता है इसको, ऐसे कानून खतरनाक वाले हैं। किसी ने बोल दिया ना कि आप उसको है ना अछूत या इस तरह का बोल रहे थे, या आपने उसका है ना क्या छुआ हो पानी नहीं पिया, आपने अपने जमीन पर, या मान लो ये मेरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इसके मालिक तो हम ही है ना, हम जिसको चाहे पढ़ाएं जिसको चाहे ना पढ़ाएं, अगर ये कह के मैंने किसी को बच्चे को कह दिया ना कि नहीं तू इस कास्ट का है मैं तेरे को नहीं पढ़ाता, और उसने जाकर के ये बात केवल कोर्ट में कह दिया, तो पता है क्या होगा, अब उस आदमी को प्रूव नहीं करना कि मैंने ऐसा कहा था, सरकार ने मान लिया, जो जज बैठा है वो मानता है,
कि ये जो दलित वर्ग या एससी एसटी का है ये झूठ नहीं बोलता, ये सच बोल रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप ये प्रूव करो कि आप सच थे वो झूठ। समझ में आ रहा है? बोलते ही है और अधिकतर लोग फंस भी जाते हैं, इसीलिए तो एससी एसटी ग्रुप से कोई पंगा नहीं लेता। एक बार एक्ट लग गया ना बेटे तो जिंदगी खत्म। बोलते हैं, मैं कहां कर रहा हूं झूठ नहीं बोलते, लेकिन अधिकतर सच भी बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अब आपको ये जाकर के प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि नहीं बाबूजी मैं ऐसी बात है, 10 आदमी से पूछ लो, 10 आदमी खड़े कर दो या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दो कि देखो ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, तब आप बच जाओगे। या आपको प्रूव करना पड़ेगा, उसे कुछ नहीं करना, वो बैठा रहेगा आराम से केस करके। ठीक है, आपने जब प्रूव कर दिया तब केस रफा दफा होगा, ठीक है ना। लेकिन जब तक आप प्रूफ नहीं कर, अगर आप नहीं प्रूफ कर पाए, इसका मतलब आप दोषी हो और आपको बिना कोई वो सबूत दिए ही आपको जेल हो जाएगी और आपको सजा भुगतना पड़ेगा। कहा जाता है ना कानून सबूत मांगता है, एससी एसटी एक्ट में सबूत नहीं मांगे जाते, सबूत हो गया उसने बोल दिया वो मान गए, आप प्रूफ करो कि आप दोषी नहीं थे। अगर आप नहीं प्रूफ कर पा रहे हो इसका मतलब आप दोषी हो। हाँ, लेकिन एक बात और, अगर मैं भी एससी एसटी का, आप भी एससी एसटी के, दोनों आदमी एससी एसटी है तो ये एक्ट नहीं लगता। अगर कोई जनरल होगा उसी पे लगेगा, जो एससी एसटी से ऊपर के कास्ट का है उस आदमी के खिलाफ कानून काम करता है। बात समझ में आ गई? आप एससी एसटी वालों पे कोई ऐसा केस नहीं कर सकते, उसकी भी सजा का प्रावधान होता है, थोड़ी छोटी सी सजा होती है उसकी। लेकिन आप प्रूव नहीं कर पाए ना जनरल होकर के, तो आप लंबे जाओगे। समझ रहे हैं ना? अरे भाई होता है बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूं एससी एसटी कास्ट के अधिकतर लोग है ना इसी तरह ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। देखो कानून सबूत मांगता है, आप प्रूफ कर दो किसी भी तरह कोर्ट में बात बन जाएगी। हाँ सबूत, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा, एससी एसटी वाले को नहीं। आगे देखिए, तो डिग्निटी मतलब कि गरिमा, प्रतिष्ठा, किसी के प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं है। अगर मैंने इन सूट में मना कर दिया नहीं पढ़ाऊंगा तो पुलिस थानेदार आएगा बोले चलो बाबूजी जेल की चाय पिला। अगर आपने, ठीक है, आपने, आपकी वाटिका है, कोई लोअर कास्ट का आदमी कहे कि मैं वाटिका बुक करना चाहता हूं, आपको कि नहीं मेरा वाटिका शुद्ध हो जाएगा, मैं आपका शादी वाइस में नहीं होने दूंगा, आप जेल में जाओगे, एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। और अगर गलती से आपने उसको मार दिया, एक भी झापड़ मार दिया, या वो खून उन लेकर के चला जाए कि इन्होंने मेरे को मारा, तब तो बेटे लंबा वाला हो गया, कांड हो जाएगा फिर तो। देखिए आगे, इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह की समानताएं दी गई हैं? देखिए, कोई भी आदमी हमारे कंट्री का, मेल हो या फीमेल हो, किसी भी कास्ट का हो या किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जनजाति, ट्राइब्स मतलब जनजाति, कोई भी आदिवासी जनजाति का हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, मतलब बहुत पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ठीक है, या अमीर हो या गरीब हो, सभी के सभी हमारे प्रजातंत्र में समान है, इक्वल, ठीक है। देखो, द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, ठीक है, देखिए, द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारे संविधान में कुछ प्रोविजन है, प्रावधान या उपाय दिए गए हैं
जिससे हमें पता चलता है कि समानता दी गई है, इक्वालिटी दी गई है। अब जैसे देखो पहला क्या है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ये आर्टिकल 14 कहता है, मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा क्या है, इसमें और भी बहुत सारे दे रखे हैं जो मैंने पहले ही आपको बता दिए, तो वो चीज बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सरकार इक्वालिटी की स्थापना के लिए क्या क्या करती है, पहला एक कानून बनाया जाता है, कानून बना करके कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो लोगों को डरा करके कानून का पालन कराया जाए और सभी लोगों को इक्वालिटी या समानता दी जाए। समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे हैं? मान लीजिए अब कानून है ना कि अगर आप किसी भी जाति के लोग को उसकी जाति के आधार पर, क्यों ज्यादा नहीं मजा आ रहे क्या, ये फेंक करके ना सर पे मार दोगे, पता है ना कैसा आदमी है, यहाँ खून जलता है, ऐसी आवाज ना निकलती है, बोल पाएगी? करना दिए दोबारा ये कांड, ना मजा आ रहा है ना तो जाके फराटे में हाथ दे दे, फिर फवारे आएंगे खून के। सरकार क्या करती है कि पहले तो कानून बनाती है। अब खुद सोचो, अगर किसी को समान आप नहीं मान रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं मैं इस जाति के आदमी को ये नहीं करने दूंगा वो नहीं करने दूंगा, तो आप कानून तोड़ रहे हो, कानून है उसके लिए, आप जेल में जाओगे, इक्वालिटी हो गई, ठीक है। और दूसरा क्या सरकार करती, स्कीम लेके प्रोग्राम लेकर के आती है कि जो लो कास्ट के लोग होते हैं, छोटी जात के लोग हैं, ठीक है, या गरीब जो समुदाय है उनके लिए सरकार स्कीम लेके आती है, योजनाएं लेकर के आती है, और योजनाएं लेके आती है तो उससे क्या फायदा होता है कि उनको भी ऊपर आने का मौका मिलता है, विकास करने का, डेवलपमेंट का उसको भी मौका मिलता है। समझ रहे बात को? बेटा आप बुक लाए हो क्या एनसीईआरटी को? कोई नहीं, देखना अगर कल हो सके। लाए हो? दे देना है। हाँ सारे ये मैं रिटर्न कर दूंगा आपको, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं, ये नए वाले हैं क्या? किसके हैं ये? तुम्हारे सेवेंथ का है, सिक्स का कहा था ना मैंने, सिक्स वाला घर पे? हाँ जी, मतलब अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कर लेंगे। वो थोड़ा घर पे कुछ देखना था मेरे को, ठीक है ना, मुझे नहीं, मिसेज को थोड़ा वो कुछ अपना प्रिपेयर करेगी, वो मेरे तो सब खोपड़ी में ही भरा पड़ा है। एक इंग्लिश में होगा ना, हिंदी में चलेगा? देखो इंडिया का तो हम लोग ने देख लिया इक्वालिटी किस तरह है। आप केवल इतना याद रखना कि 14 से लेकर के 18 तक यही इक्वालिटी का सारा चीज इसी में आ जाता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जो दूसरी दुनिया की डेमोक्रेसी है वहां पर कैसे होता है, वहां पर क्या है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें दूसरे देश, दूसरी डेमोक्रेसी, हाँ कोई बात नहीं, दूसरी कंट्री जहां डेमोक्रेसी है वहां पर इक्वालिटी के लिए क्या क्या किया गया। तो अगर साउथ अमेरिका, अफ्रीका की बात करो, साउथ अफ्रीका जहां का नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वहां पे, तो वहां पे सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया गया। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। और वहां पे क्या किया गया कि 1964 में जो कानून बनाया गया, ठीक है ना, उसमें किसी को जाति, धर्म या जेंडर के आधार पे, ठीक है, किसी भी तरह से उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सके, उस भेदभाव को खत्म करने की बात कही गई थी, ठीक है।
सॉरी अमेरिका में था ये। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी देख लेते हैं जरा। आज के डेट में हमारे डेमोक्रेसी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, चैलेंज है, वो क्या है कि सभी लोग जागरूक नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी तो तभी सफल होगी ना जब लोग जागरूक हो, अवेयर हो, है कि नहीं। मान लो किसी को पता है कि मेरे वोट से क्या हो सकता है और वोट ही देने नहीं जाए। ठीक है, पैसे के चक्कर में गलत आदमी को चुन ले तो वो क्या करेगा, घोटाला ही तो करेगा, भ्रष्टाचार करेगा। तो लोगों में एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस या जागरूकता की कमी है, और साथ ही साथ कानून भी कुछ कमजोर से है। ठीक है, तो कानून में भी या चुनाव में भी सुधार की जरूरत है, जो इलेक्शन होता है। इन सब चीजों के कारण हमारा डेमोक्रेसी कुछ पिछड़ भी रहा है, और ये सब अगर सुधार कर ले तो डेमोक्रेसी हमारी और भी अच्छी हो जाएगी। यही था चैप्टर आप लोगों का।